हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिना कार वैक्यूम क्लीनर के आप अपनी गाड़ी को कैसे साफ रख सकते हैं। डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको कैसे साफ करें अपनी गाड़ी में से, तो मैं आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं आपको। और आप भी अपने घर में खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपकी कॉस्ट नहीं आने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो गाड़ी के अंदर कितने डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल है। ये मैंने काफी कोशिश की है वैसे साफ करने की, तो ये साफ नहीं होते कपड़े से या किसी भी ऐसी तरीके से, क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर से ही साफ होते हैं। आपने भी कोशिश की होगी काफी इनको साफ करने की बिना वैक्यूम क्लीनर के, तो ये निकलते नहीं होंगे। और दोस्तों इसके लिए चाहिए हमें एक 14 नंबर का टूल। तो 14 नंबर के टूल से हम अपनी सीट को खोलेंगे। इसके सीट के चारों बोल्ट को हमें खोलना है, तो जल्दी से मैं चारों बोल्ट को खोल लेता हूं। आगे के दोनों बोल्ट खुल चुके हैं और अब हमें अपनी सीट को पूरा आगे की साइड खींच लेना है, ताकि हमें जो है पिछले बोल्ट खोलने के लिए स्पेस मिल सके। और बाकी के दो बोल्ट खोलने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं पीछे। और यहाँ से जो हमें जो हमारे पायदान है पहले हम इनको हटा देंगे। और फिलहाल मैं इनको उठा के बाहर रख देता हूँ और जल्दी से जो हमारे पिछले वाले दो बोल्ट है मैं उनको खोल लेता हूँ। सीट के चारों नट खोलने के बाद अब इस सीट को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा और सीट को बाहर निकाल देना है। सीट को बाहर निकालने के लिए सिंपली इसको उठाना है और आराम से बाहर निकाल देना है। और ये जो बैक सपोर्ट वाला हिस्सा होता है सीट का, इसको भी आगे की साइड पूरा मूव कर देना है इस बटन से, और फिर आसानी से हमारी सीट बाहर निकल जाएगी। और दोस्तों एक साइड की सीट निकलने के बाद कुछ ऐसी लग रही है हमारी गाड़ी, और आप ये भी देख सकते हो कि इसमें कितने छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल पड़े हुए हैं, जो कि कभी हम निकाल नहीं पाते किसी भी तरीके से, सिर्फ एक वैक्यूम क्लीनर को छोड़ के। दूसरी साइड की सीट खोलने से पहले ये चारों नट हम एक तरफ रख देते हैं, ताकि ये खो ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। और ये वाले पायदान भी निकाल के बाहर रख देता हूँ। और दूसरी साइड की सीट खोलने के लिए भी सेम वही प्रोसेस करना है, तो जल्दी से मैं ये सीट खोल लेता हूँ। और अब सिंपली इस सीट को भी निकाल के बाहर रख देना है। और दोस्तों दोनों सीट निकलने के बाद कुछ ऐसी लग रही है हमारी गाड़ी अंदर से। और दोस्तों मेरे पास है एक कपड़े धोने का पुराना ब्रश, और मैं इसी की मदद से गाड़ी के डस्ट को साफ करूंगा। और अगर आपकी गाड़ी के फ्लोर मैट पे ज्यादा ही दाग धब्बे लगे हुए हैं या बहुत पुराना हो चुका है, तो आप इसमें जो है सर्फ के पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले जो है सूखा ही इसे रगड़ना है ब्रश को, जो जितने भी डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल है उसको साफ करके एक जगह इकट्ठा करना है, और उसको इकट्ठा करने के बाद एक पेपर की मदद से उस डस्ट को सारे को बाहर निकाल देना है। फिर उसके बाद आप इसमें सर्फ के पानी का भी यूज कर सकते हैं। और याद रहे, सर्फ के पानी का यूज तभी करना है जब आपके फ्लोर मैट पे ज्यादा दाग धब्बे लगे हुए हैं, नहीं तो ऐसे ही डस्ट साफ करने के बाद ही गाड़ी काफी साफ सुथरी लगने लगती है। और अब मैं जल्दी से गाड़ी के फ्लोर को साफ कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर थोड़े से दाग लगे हुए हैं किसी चीज़ के, तो मैं इसको ब्रश को पानी में गीला करके और पानी से इसको साफ करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों देख सकते हो गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और दोस्तों अब एक एक करके दोनों सीट्स को हम रीइंस्टॉल कर देते हैं जल्दी से।
और दोस्तों हमारी गाड़ी का फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और अब मैं अपने सारे टूल इस बॉक्स के अंदर रख देता हूँ वापस। तो दोस्तों आप भी अपनी गाड़ी को ऐसे ही साफ कर सकते हैं बिना वैक्यूम क्लीनर के। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।